जिंदाबाद, संयुक्त राष्ट्र संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अंतर्राष्ट्रीय विश्वास दिवस अधिकार दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अंतर्राष्ट्रीय विश्वास दिवस घोषणा दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आमो आखा एक छे, जल जंगल जमीन किसका है, हमारा है के नारों के साथ आदिवासी समन्वय मंच के सदस्यों द्वारा शहर थाने पर एकत्रित होकर अनुविभागीय पुलिस अधिकारी MS बारिया को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन का वाचन विजय सोलंकी ने किया। आदिवासी समन्वय मंच के सदस्यों ने बताया कि आदिवासी क्षेत्रों में 5वीं-6वीं अनुसूची लागू करने के साथ क्लस्टर क्षेत्रों और आदिवासी गाँवों में राज्य प्रशासन का कार्य बहुत ही कमजोर है। स्थानीय शासन चलाने, योजना बनाने और निर्णय लेने में आदिवासियों को हमेशा ही नजरअंदाज किया जाता है। आदिवासी और अनुसूचित क्षेत्रों में गैर आदिवासी प्रशासकों में आदिवासियों को लेकर कोई गंभीर नियोजन, रुचि और प्रयास दिखाई नहीं देता है तथा आदिवासी समाज पर हो रहे अत्याचारों को बंद करने सहित अन्य मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। आदिवासी अधिकार घोषणा दिवस को लेकर जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 13 सितंबर 2007 को घोषणा की थी और जिसमें आदिवासियों की जो मौलिकाना हक है और आदिवासियों के ऊपर दिन पे दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, जैसा कि आदिवासियों के ऊपर आज़ादी के पहले से ही ऐतिहासिक अन्याय हुआ है और आज़ादी के 73 साल भी आदिवासियों के ऊपर अन्याय अत्याचार होते आ रहा है, उसी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें 13 सितंबर 2007 को दिया था कि आदिवासियों के ऊपर जो है कि जो मौलिकाना हक है और दिन पे दिन आदिवासियों के ऊपर परियोजना के नाम से आदिवासियों को जंगल जमीन से बेदखल करना, इसी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रस्ताव पारित किया था और इस बार राष्ट्रीय स्तर व जिला स्तर पर प्रोग्राम ना मनाते हुए कोविड-19 का ध्यान रखते हुए इस बार हम ज्ञापन के माध्यम से हम उच्च सरकार या माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय से यही मांग कर रहे हैं कि आदिवासियों के ऊपर दिन पे दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, उसी को परियोजना और विकास के नाम पर आदिवासियों को खत्म करने की साजिश खत्म किया जाए। सर, आज हम SDO के कार्यालय से ले आए कि आज आदिवासी अधिकार दिवस है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित, इसका ज्ञापन देने आए हैं। आज पहले के समय में हमारा इतिहास भी दबाया गया और अभी धीरे धीरे हम भी पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं, तो जितने भी पढ़े लिखे युवा साथी है या हमारे अधिकारी कर्मचारी है, सब मिल के हमारा इतिहास धीरे धीरे हम खोज रहे हैं और उसी को पढ़ के और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो हमारा अधिकार है, वास्तव में हम इस देश के मालिक है, उस मालिक को उनका अधिकार है वो पूरा दिया जाए और सही समय पे दिया जाए। जितना भी बजट पास होता है वो बजट भी गांव तक नहीं पहुंच पाता है, तो जो भी इतिहास है वो सब खोज रहे हैं और हमारे युवा साथी और आने वाली पीढ़ी को बताया जा रहा है।